तो आइए आज हम लोग जानते हैं तालाब और झील में अंतर। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, और साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि कौन सा ऐसा झील है जहां लगभग 500 से 600 लोगों की अस्थियां यानी कि हड्डी उनका कंकाल पाया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं GKGS Topic 2, तालाब और झील में अंतर। तालाब को अंग्रेजी में कहते हैं पॉन्ड और झील को अंग्रेजी में कहते हैं लेक। तालाब किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, चारों ओर से भूमि से घिरे हुए छोटे छोटे जलीय क्षेत्र को तालाब कहते हैं। चारों ओर से, इस ओर से, इस ओर से, इस ओर से, इस ओर से, चारों ओर से भूमि से घिरे हुए छोटे जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तालाब। जैसे ये भी देखिए, ये भी चारों ओर से भूमि से घिरा है, इस तरफ से भी भूमि से, इस तरफ से भी भूमि से, इस तरफ से भी भूमि से, और इस तरफ से भी भूमि से, और यह छोटा जलीय क्षेत्र है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तालाब। झील किसे कहते हैं? चारों ओर से भूमि से घिरे हुए बड़े जलीय क्षेत्र को झील कहते हैं। तो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए बड़े जलीय क्षेत्र को झील कहते हैं। तो चारों, इधर से भी भूमि है, इधर से भी भूमि है, इधर से भी भूमि है, और इधर से भी भूमि है, चारों तरफ से भूमि है, और ये जो बीच में जलीय क्षेत्र है इसी को क्या कहेंगे? झील। तो जब छोटा जलीय क्षेत्र होगा तो छोटा जलीय क्षेत्र को तालाब कहेंगे, और जब बड़ा जलीय क्षेत्र होगा तो उसको हम लोग झील कहेंगे। आइए जानते हैं भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। इस झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील जो भारत का सबसे बड़ा झील है, लगभग 65 किलोमीटर लंबा है। यह झील उड़ीसा राज्य में, भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यह झील भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यह हम लोगों का देश भारत का नक्शा है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस भारत के नक्शे में यह उल्का झील कहाँ पर है। तो यह भारत का नक्शा हो गया, और यह हो गया उड़ीसा। यह जो क्षेत्र है ये उड़ीसा है, और उड़ीसा में जो ये जगह है, ये छोटा सा जगह उड़ीसा में, यही है चिल्का झील। इस झील से ढेर सारी मछलियां प्रतिदिन निकाली जाती है। इतना ही नहीं, लगभग 1.5 लाख मछुआरे का जीवन इसी झील से चलता है। इस झील से लगभग 132 गांव के लोग मछली मारकर अपना जीवन चलाते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में। पानी कैसा है इस झील का? खारा। खारा यानी नमकीन। प्रसिद्ध किस चीज के लिए है? मछली पकड़ने के लिए। मछुआरा, कितने मछुआरा इस झील से मछली मारकर अपना जीवन यापन करते हैं? तो लगभग 1.5 लाख। और कितने गांव के लोग मछली पकड़कर अपना जीवन चला रहे हैं? तो लगभग 132 गांव के लोग। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, 12 साल बाद पानी का स्वाद बदलने वाला झील उरोतसो झील। कहाँ पड़ता है उरोतसो झील? तिब्बत में। यह जो झील है उरोतसो झील, यह 12 साल के बाद अपना पानी का स्वाद बदल लेता है, यानी 12 साल मीठा पानी और उसके बाद 12 साल खारा पानी। तैरता हुआ झील लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। और सबसे इंपोर्टेंट, कंकालों वाली झील रूपकुंड झील कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। आइए हम लोग इस झील के बारे में गहराई से जानते हैं। यह झील बहुत ही रहस्यमयी है। हम लोग देखेंगे, इस झील का नाम है रूपकुंड झील। इस झील का क्या नाम है? रूपकुंड झील। और हम लोग ये साइड में जो देख रहे हैं, ये साइड में हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए कंकाल सब, ये कंकाल सब देखिए। ये बहुत ही डरावनी जगह भी है, बहुत ही रहस्यमयी जगह भी है। लगभग 500 से
600 लोगों का, लगभग 500 से 600 लोगों का यहाँ पे कंकाल पड़ा हुआ है। आइए हम लोग जानते हैं इस कंकाल के रहस्य के बारे में और इस नदी का नाम रूपकुंड क्यों पड़ा इसके बारे में। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में माता पार्वती को प्यास लगती है। वह भगवान शिव से कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तो भगवान शिव जब इस जगह पर पहुंचते हैं तो कहीं भी पानी नहीं दिखाई देते, जिसके कारण भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाते हैं और त्रिशूल जमीन पर चला देते हैं। जैसे ही त्रिशूल जमीन पर गिरता है, जमीन से पानी की धाराएं निकलने लगती है और वहाँ ढेर सारा पानी चारों बगल फैलने लगता है। जब माता पार्वती पानी पीने जाती है और पानी पीती है तो पानी में अपना चेहरा देखती है, तो जब चेहरा देखती है तो माता पार्वती को अपना चेहरा बहुत ही सुंदर लगता है। माता पार्वती को अपना रूप बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मनमोहक लगता है। इसलिए उसी दिन से इस झील का नाम रूपकुंड झील पड़ गया। आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये 500-600 लोगों की जो हड्डियां है ये किसकी है। तो देखिए, इनके बारे में ढेर सारे लोगों का कहना है कि एक राजा और उनके सभी सेनापति, उनके जितने भी अपने लोग थे, सेना थे, उन्हीं सब का ये कंकाल है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जापान के सैनिक का कंकाल है। यह बातें बहुत ही रहस्यमयी है, अभी तक इस पर खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर ये हड्डियां किसकी है, यहाँ ये हड्डियां कैसे आई। वैज्ञानिकों के जांच करने के बाद पता चला कि यह हड्डियां लगभग 1200 साल पुरानी है। यह हड्डियां लगभग 1200 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी ढेर सारा रहस्य छिपा हुआ है जिस पर से पर्दा नहीं उठा है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या इस रहस्य पर से पर्दा उठ पाता है या नहीं। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यह चित्र झील का है या तालाब का, कमेंट में आप लोग को बताना है कि यह जो चित्र है यह झील का है या तालाब का है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।